ये देखिए फ्रेंड्स, सुबह के बजे 4:30 और हम लोग जा रहे हैं योगा के लिए। और आज है 2 अक्टूबर, हम जा रहे हैं छत्रसाल स्टेडियम, वही है ना? जी जी हाँ, यही है। ये देखिए नीलम दी। अच्छा अच्छा ओके, दिखा दे सारे को। नमस्कार जी, सबको राम राम जी। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं छत्रसाल स्टेडियम। तो ये देखिए, और ये जा रही है पूरी बस। और ये देखिए, ये सागर को साले का है हमारी। ये देखिए, ये सब योगा करते हैं। और देखिए इनके चेहरे की स्माइल देखिए। जो लोग योगा करते हैं ना, वो बहुत खुश नजर आएंगे। और ये सुबह कोई 3 बजे और कोई 3:30 बजे उठे हैं। ये देखिए, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, लेकिन बस लेट आई है। बस ने हमें किया है लेट, बस 5 बजे आई है, क्योंकि 4:30 बजे हम लोग पहुंच चुके थे। ये देखिए, पर बस लेट हो गई। हम 4:30 बजे पहुंच चुके थे बस स्टॉप पे। हमने लेट किया, हमने लेट किया, बस वाले ने लेट किया। ये बस वाले की गलती है, लाइट भी नहीं है बस में, और बस में लाइट भी नहीं है। जो पहले बैठे थे उन्होंने खराब कर दिया लाइट भी। देखिए, हम चार्जिंग लाइट ला के काम कर रहे हैं अपना, और इस बस में लाइट बिल्कुल भी नहीं है। और बस हमारी फोटो आराम से आ रही है। आपने गए थे? मैं नहीं गई। ये हमारे सागर सर जी हैं, दिखाओ सारे कैमरा करो। ऐसे बस की बजाने मत करो, ये हमारे बस की। ये हमारे सागर सर जी हैं, देखिए कितनी अच्छी स्माइल इनके फेस में देखो। इनका बहुत बड़ा योगदान है, खुशी खुशी जाइए सभी। बहुत बड़ा योगदान है, कंप्लेंट ना करे कोई भी, कोई कंप्लेंट ना करे, हंसते हंसते जाए सब। ये देखिए, और देखिए बच्चे भी सुबह 3:30 बजे के बेचारे जगे हुए हैं। 3 बजे की, ये देखिए आधे बच्चों को नींद आई हुई है, सामने देख सकते हैं आप। उधर करो कैमरा, जग गए ऑल आउट से सब ओके है। ये नहाए नहीं है दोनों बच्चे? नहाए के नहीं आए हैं। अंकल जी हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। देखिए आप सब देख सकते हैं, सब कितने खुश नजर आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है, इनकी बातें चल रही है। देखिए सर, ये देखिए, ये शौक चले मंगोलपुरी आज लोग के साधक शादी का है। बापू पारक की आप देख सकते हैं कैसे आराम से बैठे हुए हैं। ये हमारी आंटी जी सीनियर हैं, 3 बजे के जागे हैं। हमारे भैया जी हैं, ये देखिए, ये हमारे करता धरता है। ये हमारी सरोज जी हैं, घूमने की इच्छुक बिल्कुल भी नहीं है, और इनके साथ मैं हूँ। ये देख लो, इन दोनों ने मना करा दिया पूरे ग्रुप को घूमने के लिए। बिल्कुल नहीं भाई, जो जाना चाहे। ये बेचारे वेट कर रहे हैं, कभी हाँ करे कब हम भी चले, और साथ में मैं भी। हाय करो बच्चों, हाय हाय। और अब जा रहे हैं, टाइम देखते हैं कितना हुआ है अभी। ये देखिए, एक तंत्री और है ना मुंडी के पास, एक तंत्री भी नहीं है, एक का मुंह पीछे कर देता। चलो अब जाएगा, पीछे भूल जाएगा। अरे छूट जाएगा, कोई बात नहीं है, हम सारे भारतीयों से। हां, ये नहीं कि हम मंगे किसी से। चलो चलो, हाथ पकड़ लो एक दूसरे।
राजकुमार जी, राजकुमार जी छोड़ना नहीं चाहिए। कोई नहीं खोएगा। सबसे पहला काम योग करो सुबह शाम। योग को अपनाएगा सुखी जीवन पाएगा। योग को अपनाएगा स्टेडियम का गेट, यहाँ से एंट्री है। ये देखिए सबकी एंट्री, सब साधक शादी का दूसरे गेट से एंट्री है। ये दुकान जयपुर हमारी है। ये योगा की शॉप है हमारी, जहाँ मिलेगा सब कुछ। ये आ जाएगी ना सुबह, आ जाएगी ये देखिए फ्रेंड्स कितना क्लीन है ये स्टेडियम। मैं फर्स्ट बार इस स्टेडियम में आई हूँ। ये देखिए, ये देखिए फर्स्ट टाइम मैं इस स्टेडियम में आई हूँ। कितना सुंदर लग रहा है ना बीच में से, वाओ। ये देखिए और सब वाइट ड्रेस में है, सभी योगा वाले हैं। तो देख सकते हो आप, ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। और ये देखिए घास भी बहुत ही क्लीन, एकदम नीट क्लीन। वाव, बड़ा मज़ा आ रहा है सच में यार। ये देखिए पूरी में लाइटिंग लाइटिंग। और ये देखिए ये फ्रंट का, ये देखिए फ्रेंड्स। ये जा रहे हैं बैलून छोड़ने के लिए। ये देखिए सबके हाथों में ये बैलून है और ये सब इनको छोड़ने वाले हैं। जिन्हें साधना करवानी है श्री ललित गुप्ता जी से निवेदन है कि भारत की आन बान
और शान का प्रतीक ध्वजारोहण करें और अन्य अधिकारी सहयोग के लिए उपस्थित रहें और हम सब कहेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ध्वजारोहण के बाद सभी अधिकारीगण से भी नम्र निवेदन है कि कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम योग दिवसे अस्मिन् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम्। मंगलाचरण के बाद मैं केंद्रीय कार्यकारिणी तथा दिल्ली प्रांत की दोनों कार्यकारिणी के सदस्यों से निवेदन करती हूँ कि शांति के दूत सफेद कबूतरों और गुब्बारों को स्वच्छंद आकाश में सर्वे भवन्तु सुखिनः के संदेश हेतु छोड़ दें। लेकिन मैं ये करती है और इतना लोगों को ठीक होता है।
उसका आसन। इस आसन के फल सर आदि लोग इस आसन का अभ्यास ना करें। उठने के बाद खड़े हो जाएं, श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर अधिका अधिक झुकते जाएं। अंत में हथेलियों को पैरों के तलवों पर रख दें। रीढ़ के दोष दूर होते हैं। कंधे, फेफड़े, हृदय, पेट के अवयव चेतावनी आने से स्वस्थ बनते हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? नहीं, एक बार पैर उठाओ और एक बार नीचे हाथ उठाओ, थोड़ा ऊपर ही हो जाएगा। नहीं, एक साथ मत उठाओ, एक बार पैर उठाओ, एक बार हाथ उठाओ। ये देखिए सवासन, कभी देखा है सवासन? नहीं देखा ना, आज देखो। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
आज 2 अक्टूबर 2023 को भारतीय योग संस्थान के 57वें योग दिवस समारोह के महान पर्व पर मंचासीन अधिकारीगण, पूज्यनीय मातृशक्ति, आदरणीय साधकों, आए हुए विशिष्ट अतिथिगण, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं। जो योग से और भारतीय योग संस्थान से जुड़े हैं, प्रत्येक भारतीय योग संस्थान एक दिव्य मूर्तिकार है जो आम साधकों को तराश कर अनमोल हीरे बना रहा है। विज्ञान है, आइए आज 57वें योग दिवस समारोह के पावन पर्व पे संकल्प ले कि मैं नित्य प्रति योगाभ्यास करूंगा या करूंगी। गोद में बने एक सुंदर आश्रम में निवास कर रहे थे, तब ईश्वर की कृपा और भारतीय योग संस्थान के सभी शिक्षकों की शुभकामनाओं की शक्ति से यह दिव्य कार्य संपन्न हुआ। ये पुस्तक हर केंद्र प्रमुख और अधिकारी का मार्गदर्शन करने और साधना करवाने में, आने वाली भ्रांतियों का निराकरण करने में तो सहायक सिद्ध होगी ही, साथ ही केंद्रों पर कराई जाने वाली साधना में एक रूपता लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मैं भारतीय योग संस्थान के अखिल भारतीय प्रधान श्री देशराज जी और अखिल भारतीय महामंत्री श्री ललित गुप्ता जी तथा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों से निवेदन करती हूँ कि शिक्षक संहिता का लोकार्पण करने की कृपा करें। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओ, हमारे आज के इस सुंदर एवं दिव्य कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी विशिष्ट मेहमान, प्यारे बच्चों, देश के कोने कोने से तथा विदेशों में साधना टेलीविजन और भारतीय योग संस्थान के यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं हमारे सभी योग प्रेमी, आप सबको 57वें योग दिवस समारोह की बहुत बहुत बधाई। ये भी आज का दिन शुभ दिन है, क्योंकि दो महान दिव्य आत्माएं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, दिव्य आत्माओं ने इस धरती पर जन्म लिया। उन्होंने मात्र केवल भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को दिशा दी, पूरे विश्व को मार्गदर्शन दिया। उनके भी इस दिव्य आत्माओं के आगमन की, आज के दिन की आपको बहुत बहुत बधाई भारतीय योग संस्थान। और ये रोगी होने का अगर मुख्य कारण देखें तो क्या है? जब व्यक्ति प्रकृति से दूर भागता है, जब हम भाग दौड़ की जिंदगी जीते हैं, जब हम दूसरों से बाहर आगे निकलने की होड़ लगाते हैं, जब हम गलत दिनचर्या का अनुकरण करते हैं, जब हम पाश्चात्य देशों की संस्कृति और सभ्यता का अंधा अनुकरण करते हैं, जब हम अंग्रेजी दवाइयों पर बहुत अधिक निर्भर रहने लगते हैं, जब हम तनाव युक्त जिंदगी जीते हैं, जब हमारी आयु बढ़ने लगती है, तो इन सब के बीच में कहीं ना कहीं तालमेल बिगड़ने लगता है और वहां से शुरुआत होती है शरीर में रोगों का प्रवेश। अभ्यास करें और इन प्राणायामों का अभ्यास करें, कैसी प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं कि हम एक अच्छा जीवन जिए और इस समस्या से बाहर निकले। कैसे आता है ये रोग शरीर के भीतर? वास्तव में हमें जीने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। एक सुंदर बात समझिए, शरीर को ऊर्जा केवल मीठे से मिलती है, शर्करा से मिलती है, और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर के भीतर जो भोजन ग्रहण करने के बाद पाचन प्रक्रिया होती है, तो भोजन में जो मीठे वाला भाग है, जो शर्करा वाला भाग है, पाचन क्रिया के द्वारा भोजन का शोषण करके इस मीठे को, इस शर्करा को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है शरीर,
और इस ग्लूकोज को रस के रूप में हमारे छोटे आंतों के भीतर की भित्ति के ऊपर स्थित एक पतली सी झिल्ली के द्वारा अवशोषित करके इसे लीवर में भेज दिया जाता है। लीवर इसके अंदर अपना कार्य करने के बाद इसे ऊर्जा में बदलने के लिए रक्त नलिकाओं के अंदर रक्त के अंदर धकेल देता है, और जब रक्त के अंदर ये मीठा पहुंचता है तो आपके शरीर के भीतर मीठे का स्तर बढ़ने लगता है, और जैसे ही मीठे का स्तर बढ़ता है आपके अग्नाशय, जिसको अंग्रेजी में पैनक्रियास कहते हैं, उसकी बीटा कोशिकाओं को तुरंत सूचना मिलती है कि मालिक के शरीर के अंदर मीठे का स्तर बढ़ गया। तुरंत बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाना शुरू कर देती हैं, और ये इंसुलिन आपके रक्त के अंदर मिलता है, और जैसे मिलता है इस इंसुलिन का काम है कि इस मीठे को लेकर के शरीर की कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करवाना, और जब ये मीठे को लेकर के इंसुलिन आपके शरीर की कोशिकाओं में जाता है तो वहां पर इसको वह ऊर्जा में बदलने का काम करता है, और वही ऊर्जा आपके शरीर के अंदर आपको ऊर्जावान बनाती है और आप सुंदर एक ऊर्जावान जीवन जीते हैं। लेकिन वाली बात बड़ी खतरनाक होती है। लेकिन किसी भी कारण से, आयु बढ़ने से, तनाव बढ़ने से या किसी और कारण से, जैसे जैसे आपका ये अग्नाशय का कार्य करने का स्तर घटने लगता है, इसकी कार्य क्षमता घटने लगती है, तो आपके शरीर के भीतर इंसुलिन बनने की मात्रा और उसकी गुणवत्ता में फर्क आने लग जाता है। और यही नहीं, जो कोशिकाएं इंसुलिन का स्वागत करती थी प्रवेश होने पर, वो इनको इसको पहचानने से मना करने लगती है, अर्थात आपके शरीर की कोशिकाएं रेसिस्टेंट होने लगती हैं, अर्थात असंवेदनशील होने लगती हैं, वह उस मीठे को अपने भीतर प्रवेश करने से इनकार कर देती है, इंसुलिन का प्रवेश रोक देती है। अब आपका मीठा ना तो दो इसके रिजल्ट निकलेंगे, नंबर एक, मीठा आपकी कोशिकाओं में नहीं पहुंचा तो वो ऊर्जा में परिणत नहीं होगा, आपके शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाएगी, और दूसरा प्रभाव क्या होगा, आपके रक्त के अंदर मीठा घूमता रहेगा तो मीठे का स्तर बढ़ जाएगा। जब यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे हम डायबिटीज कहते हैं, इसको हम मधुमेह का रोग कहते हैं, जो आज हम इस बड़े समस्या से जूझ रहे हैं। अगर बहुत शॉर्ट में मैं आपको बतलाऊं, इसके तीन रूप होते हैं, एक को जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, दूसरे को टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, तीसरे को ये लोग यहां से क्यों आ रहे हैं, कार्यकर्ता कहां है यहां पर, क्यों आप बैठ जाइए तुरंत। टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज केवल महिलाओं को गर्भकाल में होती है, प्रसव के बाद स्वतः ठीक हो जाती है अगर लाइफस्टाइल ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज को जुवेनाइल टाइप डायबिटीज भी बोलते हैं, ये युवा पीढ़ी के या कम आयु के लोगों को होती है, और इसका मुख्य कारण क्या होता है, दूषित खान पान, गलत रहन सहन, विषाणुओं का आक्रमण, संक्रमण हो जाए शरीर के भीतर, कोई अनुवंशिक पैदाइश से कोई गड़बड़ी हो जाए, पैनक्रियाज काम ही नहीं कर रही थी जब बच्चा पैदा हुआ, या कोई भावनात्मक चोट पहुंची है, आघात पहुंचा है, कोई वेदना ऐसी पहुंची है जिससे कि पैनक्रियाज ने पूर्ण रूप से काम करना बंद कर दिया, ऐसे केस में आपने देखा होगा कि डॉक्टर लोग कहते हैं कि इस बच्चे को उम्र भर इंसुलिन पर रहना पड़ेगा, क्योंकि कृत्रिम इंसुलिन लेने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता। हाँ, एक बात मैं इस मन से कहना चाहूंगा, अगर कोई रोगी ऐसा केंद्र से जुड़ जाए और योग करना शुरू कर दे तो एक बिल्कुल सत्य है कि उसको इंसुलिन तो लेना पड़ेगा, लेकिन दूरगामी दुष्परिणामों से वह व्यक्ति हमेशा हमेशा बचा रहेगा। जब हम टाइप 2 डायबिटीज की बात करते हैं तो यह गलत जीवन शैली, गलत दिनचर्या का परिणाम है। जब आप वसायुक्त भोजन, शर्करायुक्त भोजन बिना परहेज के या बिना सोचे समझे भोजन लेते हैं तो धीरे धीरे दीर्घ काल के अंदर आपके लीवर और अग्नाशय के काम करने की क्षमता घटती चली जाती है, जिससे कि शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन को पहचानने से इनकार करती हैं, और अग्नाशय इनकी उससे बनने वाले इंसुलिन की गुणवत्ता और मात्रा घटती चली जाती है, आप डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि यह रोग 40, 45, 50 साल के बीच आता है, लेकिन आजकल आयु कुछ नहीं रही, क्योंकि पिज्जा, बर्गर, नूडल, मैदा युक्त ये बाहर के भोजन ने इस रोग को बड़ी तेजी से समाज में बढ़ावा दिया है। ये भी एक आपको पहचानना पड़ेगा कि भोजन कैसा ले, आज उसके ऊपर भी मैं हल्का सा प्रकाश डालूंगा।
मधुमेह रोग के कारण क्या हो सकते हैं, मोटे तौर पर हम सब इसके ऊपर चिंतन करेंगे। कारण ही निवारण होता है, ये बात जरूर नोट कर लें। जिस व्यक्ति की गलत जीवन शैली है, रात को 11 बजे भोजन करना, 1 बजे पढ़ के सोना, 10 बजे उठना, तो याद रखिए कि वो इस बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। निष्क्रिय जीवन जीते हैं, एसी रूम में सोते हैं, एसी कार में चलते हैं, एसी दफ्तर में, सनलाइट देखी नहीं, सैर करते नहीं, योगाभ्यास करते नहीं, तो ऐसे लोगों को तैयार रहना चाहिए इस बीमारी का स्वागत करने के लिए। अधिक मीठा बार बार खाना, मात्रा का ध्यान ना रखना, मानसिक तनाव जिनको बनता है उनको ये बीमारी बड़ी जल्दी आती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जब व्यक्ति टेंशन में जीता है तो आपकी एड्रेनल ग्लैंड उसी समय एक्टिव हो जाती है और वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड नाम का एक हार्मोन बनाती है, वो हार्मोन रक्त में मिलकर के आपके शरीर की पैनक्रियाज को एक्टिव करता है, उसको उकसाता है कि मेरे मालिक को उसकी ऊर्जा का स्तर नीचे हो गया और ऊर्जा बहुत उसको चाहिए, इसलिए तू इंसुलिन ज्यादा बना। वो बेचारी पैनक्रियाज नाम की ग्रंथि दबाव में आकर के काम करने लगती है और करते 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 वो अपनी कार्य क्षमता को खोने लगती है और व्यक्ति डायबिटिक पेशेंट बन जाता है। अब तो शायद हम साहित्य भी कम पढ़ते हैं या हम जानकारी कम रखते हैं, आज यह विषय समाज के अंदर एक जागरूकता की शुरुआत है और अगले एक साल तक संस्थान मधुमेह को लेकर के बहुत बड़े स्तर पर समाज में उतरने वाला है, ये बात याद रखिए। जब व्यक्ति की आयु बढ़ती है, जब व्यक्ति नियमित योगाभ्यास नहीं करता, जब व्यक्ति सैर नहीं करता, और एक पैतृक कारण भी होते हैं, अगर माता पिता को ये रोग है तो बच्चों के अंदर इस रोग के आने की संभावना काफी बढ़ जाती है। देखो टाटा का बेटा टाटा और बिरला का बेटा बिरला बनेगा तो डायबिटिक पेरेंट्स का बच्चा डायबिटिक बनेगा, ये भी साथ के साथ आने की संभावना बढ़ जाती है। पर एक मैं पॉजिटिव बात कहूंगा सकारात्मक, अगर माता पिता को डायबिटीज रही है, अगर यंग एज से वो योग की शरण में आ जाए और लाइफस्टाइल ठीक कर ले तो जीवन भर बिना डायबिटिक पेशेंट बने जिंदगी जी सकता है। हमें सकारात्मक पॉइंट को ज्यादा पकड़ना है। जब मुझे पता है कि मेरे माता पिता को या मेरे घर में ये पैतृक दोष है तो तुम समय से सावधान हो जाओ ना, समय से। डायबिटीज पेशेंट को यह नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ मधुमेह रोग ही सब कुछ है, उसके रिश्तेदार भी साथ आने लगते हैं, उसके दूरगामी दुष्परिणाम शरीर के भीतर आने लगते हैं। मैं अगर मस्त अगर सर से लगूं और पैर के अंगूठे तक जाऊं तो आप सच मानिए शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं बचेगा जहां पर डायबिटीज अपनी मार नहीं कर देती। उदाहरण के लिए डायबिटिक पेशेंट्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड की धीरे धीरे मस्तिष्क के अंदर कहीं ना कहीं कमी होने लगती है, जिससे स्नायु तंत्र और याददाश्त शक्ति कमजोर होने लगती है। आपकी आंखों के ऊपर अगर ये मीठा जोर मारेगा तो आपकी वहां की रक्त नलिकाएं और टिश्यूज कमजोर पड़ने लगेंगे, तो आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी की समस्या आ सकती है। इसके अतिरिक्त आपको ऊर्जा नहीं मिल रही है मीठे से तो आपका शरीर क्या करेगा, आपका शरीर उस समय वैकल्पिक ऊर्जा का निर्माण करेगा। क्या है शरीर में वैकल्पिक ऊर्जा, उसको वसा कहते हैं, चिकनाई कहते हैं, चर्बी कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो शरीर आपका कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर देगा। तो बॉडी के अंदर चर्बी ज्यादा बनेगी, चर्बी ज्यादा बनेगी तो जाके लीवर में जमा होगी तो आपका लीवर फैटी लीवर की समस्या आ जाएगी, और यही चर्बी आपकी रक्त नलिकाओं की भीतर की भित्ति पर अगर जमा होनी शुरू हो गई तो रक्त बहने का मार्ग आपका तंग हो जाएगा। अगर रक्त बहने का मार्ग तंग हो गया तो आपको आप हाई बीपी के पेशेंट बन जाएंगे। अगर यही जमाव चर्बी का आपके हार्ट की आर्टरीज में आ गया तो हार्ट पेशेंट बन जाएंगे। अगर यही मीठा रक्त में बहते बहते गुर्दों के छन्नों के ऊपर उनके नेफ्रॉन्स के ऊपर अगर उसने डैमेज करना शुरू कर दिया तो नेफ्रोलॉजी की समस्या बन जाएगी, एक दिन वो डायलिसिस का पेशेंट बन जाएगा। जब यही समस्या अगर पैरों की स्मॉल जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनको डैमेज कर दिया तो पैरों में रक्त प्रवाह की समस्या आपके शरीर में आने लगेगी। इवन यहां तक अंग सूखने लगेंगे, कई बार आपने देखा हो अंग काटने भी पड़ते हैं, गैंग्रीन जैसी समस्या जीवन में आने लगती है। तो ये बातें आपको जो बतलाई जा रही हैं ये केवल जानकारी के लिए, ज्ञान वर्धक। अगर जब तक मुझे ड्राइविंग नहीं आएगी कार की तो उसको चलाऊंगा कैसे, चलाऊंगा तो दुर्घटना कर दूंगा,
अगर जो आज यहाँ बैठे हैं, मैं मान के चलता हूँ सब योग करते हैं, आप नॉन डायबिटिक हैं, लेकिन आज चिकित्सा प्रणाली में हम अंग्रेजी दवाइयों और इंसुलिन से इस बीमारी को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। एक बात सत्य रखिए अपने दिमाग में कि अंग्रेजी दवाई और इंसुलिन आपके शरीर के अंदर दूरगामी दुष्परिणाम जरूर छोड़ेंगे। अतः अगर हम योग को नियमित रूप से अपने जीवन में अपना लें, अर्थात योगिक जीवन शैली अपने जीवन में धारण कर लें और प्राकृतिक जीवन शैली का अनुकरण करने लग जाएं, तो धीरे 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 ये समझने की बात है, आपके शरीर की जो पुनर्जीवित शक्ति है वो दोबारा से जागृत होने लगेगी। और धीरे धीरे जब ये हो जाएगी तो आपका दवाइयों के ऊपर और इंसुलिन के ऊपर आत्मनिर्भरता बोलिए कम होनी शुरू हो जाएगी। इससे आपका शरीर पुनर्जीवित होगा और आपका अग्नाशय की बीटा कोशिका सक्रिय बनने लगेगी। उससे बनने वाले इंसुलिन की गुणवत्ता में सुधार होने लगेगा, उससे बनने वाले इंसुलिन की मात्रा में सुधार होने लगेगा। आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़िया हो जाएगा, आपकी मांसपेशियों का चयापचय बढ़िया हो जाएगा, आपका पाचन तंत्र बढ़िया हो जाएगा, आपके अंग स्वस्थ बन जाएंगे, आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो आपकी संवेदनशील हो जाएंगे इंसुलिन के प्रति। अर्थात जैसे आप अपने मेहमान का घर पर आए हुए का स्वागत करते हैं, ये कोशिकाएं इंसुलिन का स्वागत करने लगेगी। इंसुलिन को ग्रहण करने की जब क्षमता बढ़ जाएगी तो वो मीठा भी अंदर जाएगा और वो मीठा आपका ऊर्जा में बदलने लगेगा और आप फिर दोबारा से ऊर्जावान बनने लगेंगे। आप समझिए कि कितना बड़ा खेल है योग के अंदर। तो अगर इतनी शिक्षक भी ध्यान दें, साधक भी ध्यान दें, डायबिटिक पेशेंट्स भी ध्यान दें, कभी भी मध्यम दर्जे के और अग्रिम आसनों से साधना शुरू ना करें, केवल सूक्ष्म क्रियाएं और सरल आसनों से अपनी साधना को शुरू करें। केवल कहां से? सूक्ष्म क्रियाएं और सरल आसनों से, फिर धीरे धीरे मध्यम दर्जे के आसनों की तरफ आए। जैसे मैं कुछ आसनों के नाम लूंगा, बहुत सुंदर आसन, डायबिटिक के लिए इससे सुंदर आसन नहीं हो सकते। आपको पूरा आज ट्रीटमेंट, योगिक ट्रीटमेंट देंगे इसका। वक्र आसन जो आज करवाया गया है, एक उदर आकर्षण आसन, आराम आराम से बोलूंगा, योग मुद्रा आसन, जो जानते हैं आसन को समझेंगे कि आप किसी न किसी रूप में लीवर और पैनक्रियाज, इन दो विशेष अंगों को प्रभावित करेंगे इन आसनों में। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, मंडूक आसन, त्रियक भुजंग आसन, सर्प आसन, शलभ आसन, पवन मुक्त आसन, हल आसन और सब आसन। सब आसन में वो दो अंग नहीं, पूरे सारे के सारे अंग प्रभाव में आते हैं, आप तनाव रहित बनते हैं, इस रोग को ठीक करने में मदद मिलती है। चार प्राणायामों के नाम बतलाऊंगा मैं। सबसे पहले अग्निसार प्राणायाम, दूसरे नंबर पर कपाल भाति प्राणायाम, तीसरे नंबर पर भस्त्रिका प्राणायाम और चौथे नंबर पर भ्रामरी प्राणायाम। ये बड़ा सोच समझ करके सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और चार मुद्राओं का अभ्यास करेंगे आप। चार मुद्राएं अपने साधना का हिस्सा बना लीजिए। नंबर एक उड़ियान बंध मुद्रा, नंबर दो महाबंध मुद्रा, नंबर तीन विपरीत करने मुद्रा, नंबर चार पाशनी मुद्रा। पाशनी मुद्रा अगर आप एक्सप्लोर योगा देखेंगे वीडियो चैनल खोल के, उसमें चारों का विवरण और आपको पूरी तरह से उसको डेमोंस्ट्रेट करके दिखाया गया है। आपको चार प्राणायाम बतलाए, चार मुद्राएं बतलाए, चार ही आपको हम क्लिंजिंग एक्सरसाइजेज बतलाएंगे, सट क्रियाएं बतलाएंगे। क्या है वो देखिए आप। पहले नंबर पर कुंजन, दूसरे नंबर पर वहनी सार धोती, तीसरे नंबर पर भस्ति क्रिया और चौथे नंबर पर न्योली क्रिया। अगर जिसने इन सब पूरी साधना को किसी निपुण योग के शिक्षक की देखरेख में करना प्रारंभ कर दिया, ये वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है, किसी निपुण योग शिक्षक की देखरेख में। और कहाँ मिलेंगे निपुण योग शिक्षक? आप पैसा लगे ना फटकरी, रंग चोखा हो जाए तो आप जाओ भारतीय योग संस्थान के केंद्रों पर, वहां कॉमर्शियल नहीं है हम लोग, हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए, हमें चेक नहीं भरवाना, हमें आप दुशाला नहीं ओढ़ना, हमें कोई वाहवा नहीं चाहिए आपकी। आप केवल भारतीय योग संस्थान के केंद्र पर जाइए, ध्यान का दोनों टाइम कार्यक्रम कीजिए,
आप लीजिए, आप ध्यान बैठिए 10-10 मिनट, इसके बैठने से टेंशन कम होगी, टेंशन कम होगी तो एड्रेनल ग्लैंड शांत रहेगी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड नाम का हार्मोन नहीं बढ़ेगा और आपकी पैनक्रियाज के ऊपर कोई एक्स्ट्रा दबाव नहीं होगा, आप डायबिटीज से बाहर आएंगे। बस सावधानी ये रखनी है कि यहाँ से सुन करके नहीं, किताब से पढ़ के नहीं, यूट्यूब चैनल से देख करके नहीं, आप केंद्र पर जाइए और वहाँ इसको कीजिए। इसके अतिरिक्त भोजन और कुछ अन्य थोड़े थोड़े सुझाव भी जरूर दूंगा। कैसा ले भोजन? सुपाच्य भोजन ले। कैसा ले भोजन? सात्विक भोजन ले। घर पर बना हुआ भोजन, ये अंग्रेजी सभ्यता का अनुकरण करेंगे आप, पिज्जा बर्गर नूडल मैंने कहा ये डायबिटीज की खान है। जितनी तेज गति से हमारे समाज में ये बाहरी भोजन, बाजार का भोजन बढ़ रहा है, उससे ज्यादा गति से डायबिटीज बढ़ती जा रही है। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, इस बीमारी की पकड़ से दूर चले जाएंगे। हरी उबली हुई सब्जियां लो, खट्टे फल खाओ, मौसमी है, संतरा है, बेर है, अमरूद है, जामुन है। खाना खाने से पहले प्लेट सलाद भर करके बैठ जाओ, जब तक पूरा सलाद खत्म ना हो खाना अपने सामने मत परोसो, उसके बाद खाना खाओ, दूसरा खाना अपने कम हो जाएगा और सलाद की मात्रा आपकी बढ़ जाएगी। अंकुरित अनाज को और मल्टीग्रेन आटे की चपाती को अपने भोजन का हिस्सा बना लो, देखो आपको कितना जबरदस्त प्रभाव। शहद का सेवन करो, मीठा आपको भोजन से वैसे मिल जाता है, साग सब्जी फल और चपाती से जितने मीठे की जरूरत है वहीं से मिल जाता है। मत इस जीव के बस में आओ, जीव को अपने बस में कर लो, ठीक हो जाओगे। भोजन बाजार का भोजन बचो इससे। मेथी और करेले को किसी ना किसी रूप में सेवन करना शुरू करो। एक बड़ा सुंदर सूत्र दे रहा हूं, 20 पत्ते बेजल के, 20 पत्ते करी पत्ता। बेजल देव तुलसी होती है, गमले के अंदर एक बार उग जाए तो कभी खत्म नहीं होगी, घर में खूब फैले फूलेगी, मालिक को बोल करके लगवा लें। और आपको 3 से 4 ग्राम डंडी गिलोय की और आपको 20 पत्ते तुलसी के और 4 से 5 ग्राम एलोवेरा का गुद्दा और एक आंवला काट करके गुठली अलग कर दो और सुबह धो करके उसको ग्राइंडर में डालो, 1 कप पानी डाल करके ग्राइंड कर लो और उसके अंदर फिर आधा पौना गिलास पानी का बाद में मिला के छान करके खाली पेट उसको पियो। आप जब 3 महीने इसको कर लोगे तो आप इसका प्रभाव देखोगे आपके शरीर पर क्या पड़ेगा। ताकि भारत माता की, भारत माता की। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हो चुका है पूरा प्रोग्राम ख़त्म और यहाँ हो रही है सबके वापसी की तैयारी। तो आप देख सकते हो पूरा ग्राउंड हो चुका है खाली, ये देखिए ग्रीन और रेड का क्या कॉम्बिनेशन लग रहा है, सॉरी खाली खाली बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए सेल्फी ले रहे हैं सब अपने अपने, ये सब अपने ही ग्रुप के थे। तो ये देख सकते हो सब जा चुके हैं बाहर। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। जितने भी योगा ग्रुप के सब इस वीडियो को देखेंगे प्लीज़ प्लीज़ अपने ग्रुप में इसको सेंड ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए ये सब जाने के लिए वेट कर रहे हैं, ये देखिए सब स्टॉल भी था वहाँ पर तो काफ़ी सामान वगैरह ले रहे थे। और ये देखिए ये यहाँ पे लग चुकी है, सबको भूख तो होने लगा है यहाँ पे नाश्ता। तो ये हमारी नीलम दी है, ये कुछ कुछ खाने के लिए लेके आई थी तो यही सब खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक